अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबकी दुआओं से हम लोग भी ठीक हैं। तो गए, अभी 7 बज रहे हैं, अभी आए। मम्मी, आई डोंट वांट टू वॉश द डिशेस। ओके, यला वॉश। साढ़े 7 बज गया है, मैंने अभी ये फिर से फेनल टी बनाई है, फेनल क्यूमिन। आज मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाली है, और मैं सोचती हूँ मैं भी पीऊँगा, उनको भी अच्छी लग गई चाय। हम इसमें चावल खाएँ और साथ में हरीस, चिकन का सालन नहीं खाया। और ये है मिनी पिज़्ज़ा, चीज़ पिज़्ज़ा, तो ये मैं खा लूँगी चाय के साथ। 3:30 बजे उठे हैं और अभी 5 बजे नाश्ता कर रहे हैं। चाय है, पीनट बटर, 1 स्लाइस ब्रेड और बॉयल एग। इशाल को हरीस अच्छा लगा तो वो हरीस खा रही है बस, और रमीस चाय और रस्क। बोलते हैं खाना नहीं खाना, भूख नहीं लगी उनको, और इल्हाम खाएगी सिर्फ एग। 5:30 बजे रमीस तो चले गए थे अपनी जॉब पे, फिर मैंने बच्चों को शावर दिया। पहले मैंने इशाल को रेडी किया क्योंकि इसको बर्थडे में जाना था 6:30 बजे, तो गिफ्ट के लिए मैंने ग्रोसरी को कॉल कर दिया था कि पैक करके इशाल को दे दें, तो ये वहाँ से कलेक्ट करेगी गिफ्ट और सीधा बर्थडे में चली जाएगी। इल्हाम को भी शावर दे के उसको रेडी कर दिया। फिर मैंने घर की सफाई की, बर्तन धोए, और खाना वगैरह तो आजकल बना रही नहीं हूँ क्योंकि उस दिन जो चिकन कौरमा बनाया था वही रखा है, और रमीस खाना भी रोज़ ले आते हैं अपने अंकल के वहाँ से, तो इतना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पीपी कर लिया तो मुझे आके बता रही है। इनका पूरा ड्रेस उसने भिगा लिया, अभी बनाया था। इल्हाम को जब भी शावर देते हैं ना तो उसको इतनी नींद आती है कि मतलब टैप देखते देखते बैठे बैठे सो जाती है। अभी 7:45 बज गया और ये सो गई है, और अभी मुझे नमाज पढ़नी है, उसके बाद मैं शाल को लेके आऊँगी, साथ में रोटी भी लेने जानी है। इल्हाम आजकल रोज़ 7-8 बजे सो जाती है और सुबह 4-5 बजे उठती है। He always do that, yeah? इशाल का एक फ्रेंड है यहाँ पे, मतलब इशाल का फ्रेंड नहीं है वो, इशाल को पसंद नहीं है, तो हमेशा जब भी वो बर्थडे में आती है तो बहुत प्रॉब्लम करता है, उसको कुछ खेलने नहीं देता अपनी मर्जी से, तो वही मुझे कंप्लेन कर रही है। रिमोट भी वो ले लेता है अपनी मर्जी से, चैनल सेलेक्ट करता है, इशाल को कुछ नहीं करने देता। अभी मैंने इशाल को बोला तुम जाओ जल्दी से घर पे, मैं रोटी लेके आती हूँ। लॉन्ड्री में कपड़े मैंने दे दिए। इशाल को भी नींद आई थी तो बस आते के साथ सो गई। मैं पहले लॉन्ड्री गई हूँ, फिर सुपरमार्केट गई हूँ, वहाँ से ग्रोसरी ऑर्डर करिए, अब बस वो लेके आएगा तो मैं अपने लिए सैलड बनाऊँगी। ग्रोसरी से सामान आ गया था, वो सब मैंने सॉर्ट आउट करके रख दिया है जहाँ जहाँ रखना था, और अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए फ्रूट एंड वेजी सैलड। तो इस सैलड के लिए मैंने लिया है एक छोटा सा टमाटर, एक क्यूकम्बर और एक छोटी सी गाजर, आधा एप्पल, लेमन और लेट्यूस के 3 लीव्स लिए मैंने, साथ में थोड़े से ग्रेप्स, मतलब 10-15 ग्रेप्स, 5 बादाम और आधा कप चिक पीस और 2 बड़े चम्मच दही और थोड़ा सा चाट मसाला।
बच्चे तो सो रहे हैं, विशाल तो वहाँ से स्पेगेटी वगैरह खा के आई थी, तो वो तो कुछ नहीं खाएगी। अब इल्हाम भी उठ रही है, धीरे धीरे उठने का चालू हो रहा है उसका, लेकिन उठेगी नहीं। अभी मैं इसके पास जाके सोऊंगी तो वापस हो जाएगी। अच्छी है मेरी सैलड, नमक नहीं डाला मैंने इसमें, चाट मसाले में थोड़ा तो नमक होता ही है। तो योगर्ट और फ्रूट एंड वेजी सैलड है, अच्छी है। डिनर हो गया मेरा, अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। क्यूमिन, सिनेमन, ज़ीरा, लेमन, आज मैंने अदरक डालना भूल गई, और टर्मरिक मैं अभी चाय में नहीं डालूंगी क्योंकि जब मैं छानती हूँ ना तो पूरी छन्नी भी येलो हो जाती है, तो टर्मरिक आज मैं कप में ऐड करूँगी। साथ में मैंने एक टीस्पून हनी भी ऐड की आज। लाम सोते सोते एकदम किधर पे आ गई कोने पे। मैं बस अभी कपड़े हैंग कर रही थी कि इल्हाम उठ गई, फिर उसके पास जाके लेटी हूँ तो वापस सो गई। तो बस फ्रेंड, आज के इस वीडियो को करते हैं एंड, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।